सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीसी चैनल। डब्ल्यूबीजे 2023 काउंसिल के अंदर आपका सेकंड राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ गया है एंड इसके बाद आपको कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है एंड आपको क्या करना है क्या नहीं करना है इसके ऊपर आज का डिटेल वीडियो है। तो वीडियो को एंड तक देखो एंड आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना कि सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डब्ल्यूबीजे काउंसिल नोटिफिकेशन के अंदर आपका सेकंड राउंड रिलेटेड जितने भी सारे पॉइंट है व्हाट्सएप के साथ डिटेल में समराइज करके शेयर कर देते कि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए सेकंड राउंड डिटेल को लेकर एंड रिलेट टू मॉप अप राउंड। तो चलो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको फिर सेकंड राउंड कोई भी सीट नहीं मिला है तो फिर तक आप जो है डायरेक्टली मॉप अप राउंड में रजिस्ट्रेशन करने के बाद चॉइस प्लेइंग करके आप जो पार्टिसिपेट कर सकते हो एंड फिर तक अगर आपको मॉप अप राउंड में कोई सीट मिलता है तो फिर जाके वो सीट के साथ आप जो है आपका फ्यूचर देख लेना। इसके बाद आता है कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिला था एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद अगर आप अपडेट के लिए दिया था तो यहाँ पर कुछ आउटकम्स आएगा एंड फिर जाके सेकंड राउंड में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है आप सबके साथ डिटेल में शेयर कर देते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है अलॉटमेंट इज अपग्रेडेड टू कैंडिडेट फर्स्ट चॉइस। तो अगर आपका अलॉटमेंट अपग्रेड होकर फर्स्ट चॉइस अलॉट हो जाता है सेकंड राउंड में तो आपके लिए एडमिशन कंपलसरी है, मतलब आपको पीआई रिपोर्टिंग कर लेना ही है और आपको एडमिशन ले लेना है वो पर्टिकुलर अलॉटेड कॉलेज पर, ठीक है। एंड एडमिशन लेने के लिए आपको वो कॉलेज का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको एडमिशन डॉक्यूमेंट डिटेल्स एंड एडमिशन प्रोसीडर आपको फॉलो करना है वो एलोटेड कॉलेज का एंड यही आपका हो गया अलॉटमेंट इज अपग्रेड टू कैंडिडेट फर्स्ट चॉइस, ठीक है। एंड अगर आप एडमिशन ले लेते हो तो फिर जब आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते ये आपका क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया है। एंड अलॉटमेंट इज अपग्रेडेड टू बट सेकेंड और लेटर चॉइसेस। अगर आपका अलॉटमेंट अपग्रेड हो जाता है बट आपको सेकेंड और लेटर चॉइसेस मिलता है सेकेंड राउंड में जाकर तो आप जो है एडमिशन ले भी सकते हो एडमिशन नहीं भी ले सकते हो बट यहाँ पर आपका कुछ पॉइंट्स है रिलेट टू मॉप अप राउंड और सबके साथ शेयर कर देते। अगर आप एडमिशन ले लेते हो तो फिर जगह मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते बट अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो आपका वो करंट सीट कैंसिल हो जाएगा एंड मॉप अप राउंड में तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो बट मॉप अप राउंड में भी अगर आपको कोई सीट नहीं मिलता है तो आप जो है सेकेंड राउंड का सीट रिक्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपके लिए थोड़ा बहुत रिस्क ही रहेगा। तो फिर जगह आप सोचना है कि आप क्या करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड इस पर आपका जो पॉइंट आता है कि अलॉटमेंट इज नॉट अपग्रेडेड एट ऑल, कि आपका अलॉटमेंट जो था फर्स्ट राउंड में वही आपका सेकंड राउंड में भी रहेगा तो फिर जब आप एडमिशन ले भी सकते एडमिशन नहीं भी ले सकते एंड रिलेट टू मॉप अप राउंड जैसे मैंने प्रीवियसली बताया आपका अलॉटमेंट इज अपग्रेडेड बट कुछ सेकंड और लेटर चॉइसेस के लिए वो आपका यहाँ पर सेम है। एंड इसके बाद आपका आता है कैंडिडेट अलॉटमेंट वॉज कैंसिल्ड इन राउंड वन ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बट अलॉटेड इन राउंड टू। तो आपको फर्स्ट राउंड में तो सीट अलॉटमेंट हुआ था बट आपका वो सीट कैंसिल हो गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिजल्ट, मतलब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अनसक्सेसफुल रहा था फर्स्ट राउंड में तो फिर जाकर आपको राउंड टू में कोई सीट मिला है तो फिर जाकर आपको क्या करना है फर्स्ट टाइम होगा कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलॉटेड कॉलेज पर कर लेना है एंड फिर जाकर आपका आपको फर्स्ट फर्स्ट चॉइस अलॉट हो जाता है तो आपके लिए एडमिशन कंपलसरी है एंड अगर आप एडमिशन ले लेते हो तो आप जो है मॉप अप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते एंड फर्स्ट चॉइस अगर आपके अलॉट होता है एंड अगर आप एडमिशन नहीं भी लेते हो तो फिर जाके आपको काउंसिल से ही बाहर कर दिया जाएगा क्योंकि अगर आपका फर्स्ट चॉइस अलॉट होता है कोई भी राउंड में तो आपके लिए जो है एडमिशन कंपलसरी है, ठीक है। एंड इसके बाद आपका जो पॉइंट आता है कि अगर आपको सेकंड राउंड में जाकर सेकंड और लेटर चॉइस अलॉट होता है तो फिर जाके आप एडमिशन ले भी सकते एडमिशन नहीं भी ले सकते। एंड जैसे मैंने प्रीवियसली बताया कि आपने अगर एडमिशन ले लिया तो आपके लिए कौन सा प्रोसेस अप्लाई होगा एंड अगर आपने एडमिशन ना लिया तो कौन सा प्रोसेस अप्लाई होगा रिलेट टू मॉप अप राउंड आप सबके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया तो वही प्रोसेस आपका यहाँ पर भी अप्लाई होगा। देन आपका आता है कि कैंडिडेट डिड नॉट गेट एनी अलॉटमेंट इन राउंड वन एंड गेट फ्रेश अलॉटमेंट इन राउंड टू। तो जिसका फर्स्ट राउंड में कोई भी अलॉटमेंट नहीं आया था उसको अगर फ्रेशली अलॉट होता है सेकंड राउंड में जाकर तो उसके लिए क्या करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको जो है सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करना है ₹5K एंड फिर जाकर उसको सीट अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा एंड फिर जाकर उसको अलॉटेड कॉलेज पर जाना है वेरिफिकेशन के लिए एंड फर्स्ट टाइम उसका होगा वेरिफिकेशन कर लेना अलॉटेड कॉलेज पर जाके एंड फिर जाकर उसको अगर फर्स्ट चॉइस अलॉट होता है तो उसके लिए एडमिशन कंपलसरी है एंड वो मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते एंड एडमिशन नहीं मिलता है तो उसको जो काउंसिल से ही बाहर कर दिया जाएगा क्योंकि अगर आपका फर्स्ट चॉइस अलॉट होता है तो आपको जो एडमिशन लेना ही है एंड एडमिशन ना लेने पर कौन सा प्रोसेस अप्लाई होगा एंड एडमिशन लेने पर कौन सा प्रोसेस अप्लाई होगा वो ऑलरेडी आप सबके साथ शेयर कर दिया है तो वो प्रोसेस यहाँ पर भी सेम अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करना ही एंड अलॉटेड कॉलेज पर वेरिफिकेशन कर लेना ही है अगर आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो एंड एडमिशन कंपलसरी है कि नहीं और वो भी आप सबके साथ शेयर करते हैं एंड फर्दर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एडमिशन लोगे कि नहीं एंड आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा। तो अब ये आपका हो गया ऑफर और सेकेंड राउंड डिटेल
रिलेट टू मॉकअप राउंड। होप कि आपको इस वजह से थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिला है, तो अगर आपको इस वजह से थोड़ा बहुत हेल्प हुआ तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय।